अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने बबल डॉट आईओ का अकाउंट क्रिएट किया था और उसके बाद हमने उसमें अपनी फर्स्ट ऐप बनाई थी। इस वीडियो में हम वहां से कंटिन्यू करेंगे और बेसिकली जो हमने ऐप बनाई है, हम बबल डॉट आईओ में जो ऐप एडिटर है, जो विजुअल एडिटर है, उसको बेसिकली उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें कि हम साइड बार में देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं बबल डॉट आईओ में। और उसके अलावा हम टॉप बार को देखेंगे कि बबल डॉट आईओ के जो विजुअल एडिटर की टॉप बार है, उसमें हमारे पास कौन कौन से टूल अवेलेबल है। वंस अगेन, ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम इन डेप्थ टॉप बार को, साइड बार को, यूआई एडिटर को, एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को और हर एक चीज को इन डेप्थ देखेंगे आने वाली वीडियोज में। इस वीडियो में सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए यहां पे मैं ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और बबल डॉट आईओ को वहां पे ओपन कर लूंगा। आप अगर पहले ही बबल डॉट आईओ पे हैं तो वहीं से कंटिन्यू कर लें। लास्ट वीडियो में हमने ये बबल डॉट आईओ की ऐप बनाई थी, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैंने बेसिकली इसके टाइटल पे क्लिक किया और उसने उसको बेसिकली लॉन्च कर दिया उसके एडिटर को। आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शंस पे भी क्लिक करके यहाँ से लॉन्च एडिटर कर सकते हैं, वो भी आपको सेम पेज पे ही लेके आएगा। और अब हम ये बेसिकली बबल डॉट आईओ का ऐप एडिटर है या विजुअल एडिटर है, जिसमें कि हम अपनी पूरी ऐप की यूआई डिजाइनिंग, वर्क फ्लो, जो कि एक्शंस मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, स्टाइलिंग, प्लगइन्स, सेटिंग्स, सारा कुछ हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस विजुअल एडिटर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बबल डॉट आईओ के विजुअल एडिटर की टॉप बार से। बबल डॉट आईओ के विजुअल एडिटर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टॉप बार है, ओके, और जिसमें कि हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन बेसिकली ये होम का है, जो कि हमें वापस होम पे ले आएगा। उसके अलावा और भी हमारे पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने बैक पे क्लिक किया ताकि मैं उस पेज पे वापस आ जाऊँ। मैंने होम पे क्लिक किया था, वो मुझे होम पे ले गया था। ये पेज का ऑप्शन है, ये क्या है, ये बेसिकली हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे। ये एलिमेंट सेलेक्टर्स का है, एडिट, हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि हम पेजेस के रिलेटेड कोई साइटिंग होगी, एलिमेंट की हायरार्की को चेक करना होगा, कोई एडिट मेन्यू को स्पेसिफिकली देखना होगा, या फिर हमें ये चेक करना होगा कि हमारी ऐप की करंट स्टेट सेव्ड है या नहीं है, कोई इश्यूज है कि नहीं, अरेंजमेंट, कंपोनेंट्स, अनडू, रीडू, डिप्लॉय करने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए हमारे पास टॉप बार है। वंस अगेन, जो मैंने इतनी ज्यादा चीजों के नाम लिए हैं, ये आने वाली वीडियोस में हर एक चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आपको हर एक चीज के ऑप्शंस दिखाऊंगा, उनको यूज करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप बबल डॉट आईओ के एक्सपर्ट हो जाएंगे, ओके। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली आप अभी चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं कि ओके ये क्या चीज है, आप इधर उधर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, हम इन हर एक ऑप्शन को मैं आपको वन बाय वन गो थ्रू कराऊंगा। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चीज से, जो कि है हमारे पास साइड बार। बबल डॉट आईओ में जब मैं साइड बार कहूं तो उसका मेन मकसद है ये जो हमारे पास फर्स्ट साइड बार है, जिसमें कि डिजाइन, वर्क फ्लो, डेटा, स्टाइल्स, प्लगइन्स, सेटिंग्स और लॉक्स लिखा हुआ है। उसके बाद जो आप बेसिकली देख रहे हैं, ये भी साइड बार ही है, लेकिन ये इन पेज बेसिकली ये इस डिजाइन टैब की इंटरनल पेज साइड बार है। मीन के जब मैं वर्कफ्लो पे जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि वो गायब होगी, लेकिन ये जो साइड बार है ये विजुअल एडिटर में थ्रू आउट द अपने लाइफ साइकिल यहीं पे रहेगी। मैं किसी भी पेज पे चला जाऊंगा तो ये वाली साइड बार गायब नहीं होगी। तो ये मेन साइड बार है और ये बेसिकली डिजाइन पेज की इटसेल्फ इन पेज साइड बार है। इस पे भी हम आएंगे जब हम उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। अभी हमारे पास जो मेन साइड बार है उसमें डिजाइन है, जिसमें कि हम अपनी बेसिकली ऐप की डिजाइनिंग करते हैं। वर्क फ्लोज हैं, जिसमें कि मेनली जैसे मैं बता चुका, कोई भी एक्शन होगा, बटन क्लिक पे कुछ होना है, डाटा एंटर करने पे कुछ होना है या डाटा एंटर ही करना है, यूजर लॉग इन हो तो क्या हो, यूजर को लॉग इन कैसे करना है, हर एक काम वर्क फ्लोज मैनेज करेंगे। डेटा के रिलेटेड के फॉर्म में यूजर ने डेटा एंटर कर दिया, वर्क फ्लो ने उसको गेट कर दिया, लेकिन वर्क फ्लो उसको स्टोर नहीं कर सकता। स्टोर करने के लिए डेटा है, वो सारा काम यहाँ पे होगा डेटाबेस में। ये डेटाबेस है, डेटा को आप डेटाबेस समझ लें, आइकॉन भी डेटाबेस का यूज होगा।
स्टाइल्स, ये आप समझ लें कि जो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू और जो भी एसपीएस हैं या कोई भी डेवलपमेंट, बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे बटन का एक कंपोनेंट हो जाता है, हेडिंग का एक कंपोनेंट, कार्ड कंपोनेंट, और छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलके बड़े कंपोनेंट्स बनाते हैं, बड़े कंपोनेंट्स मिलके सेक्शंस बनाते हैं, सेक्शंस मिलके बेसिकली पेजेस बनाते हैं। तो हर एक चीज एट द एंड कंपोनेंट में डिवाइड होती है। तो ये स्टाइल्स आपके कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी ज्यादा कंपोनेंट्स प्री डिफाइन अवेलेबल। प्लगइन्स, वंस अगेन हम इस कोर्स में कुछ प्लगइन्स को यूज करेंगे, लेकिन हम प्लगइन डेवलपमेंट इस कोर्स में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो एडवांस बबल डॉट आईओ कॉन्सेप्ट है, और वो इंशाल्लाह हम फिर किसी कोर्स में स्टडी करेंगे जबकि ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। सेटिंग्स में ये बेसिकली आपकी ऐप की फुल सेटिंग है। ये इसमें जो भी आपने अपने ऐप का जो प्लान है, उसके अलावा उसका नाम, डोमेन, लैंग्वेजेस, एसईओ, एपीआई के साथ कनेक्ट करना है, किसी को कोलैबोरेशन को ऐड करना है, कोई भी आपका है, सब ऐप्स बनानी है या वर्जन वगैरह को मैनेज करना है, वो सारा यहाँ पे होगा। लास्टली जो लॉग्स हैं वो बेसिकली आपको ये बता रहे होंगे। ये हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। हमने गेट स्टार्टेड किया है अपने विजुअल एडिटर के साथ, हमने स्टार्टिंग की है और एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया है कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी से कंटिन्यू करेंगे और बेसिकली टॉप बार से हम स्टार्ट करेंगे वंस अगेन, लेकिन इस दफा मैं आपको पेजेस, ये जो ऑप्शन है, इसको डिटेल में समझाऊंगा कि अच्छा ये क्या है, इसमें क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट, ये जो 5 से 6 मैंने ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, उनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओके क्या वो ऑप्शन है और उसका क्या मकसद और मतलब है, और उसको बेसिकली हम कब कब यूज कर रहे होंगे। जिसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में आप देख सकते हैं कि और कंटेंट मैनेजर है, और जैसे जैसे हमारी वीडियोज होती जाएंगी आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। तो प्लीज ये डॉक्यूमेंट, इसका लिंक इस पूरे कोर्स, थ्रू आउट द कोर्स हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल रहेगा। प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले एक दफा जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या वो क्वेश्चन आने वाली किसी वीडियो में क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो किसी वीडियो में क्लियर हो रहा होगा तो मैं उस बेसिकली ये कह दूंगा कि ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो फिर उसको जरूर एक एज अ वीडियो या जैसे भी उसको क्लियर करना होगा उसको ऐड कर लिया जाएगा। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वंस अगेन, अगर आपने अभी तक किसी अपने कोलीग, दोस्त, फ्रेंड, सिबलिंग के साथ इस चीज को शेयर नहीं किया और वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकता है, तो जरूर उसके साथ शेयर करें ताकि वो उससे बेनिफिट हासिल कर सके। वीडियो कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा, उसको क्लियर किया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.